नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में बात करेंगे, फ्रांस ने किया है न्यू परमाणु मिसाइल का परीक्षण, राफेल फाइटर जेट से हुआ है लॉन्चिंग। आने वाला दिन में फ्रांस से ऐसा परमाणु मिसाइल लॉन्च किया है जो दुनिया देखते रह गया है। साथ ही साथ यदि हम बात करेंगे चाइना, रूस, अमेरिका और उस हिसाब से साथ ही साथ हम बात करेंगे ईरान और इसराइल की, ऐसा न्यू मिसाइल सिस्टम फ्रांस ने बना दिया है जो दुनिया देखते ही रह गया है। आज हम इस मिसाइल के बारे में बात करेंगे। जो अपडेट आ रहा है, फ्रांस ने पहली बार राफेल फाइटर जेट से अपना अपग्रेडेड परमाणु मिसाइल ASMPAR का सफल परीक्षण किया है। यह एक मध्यम दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल है। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने, जो अपडेट आ रहा है, न्यूक्लियर हथियार नहीं लगाया गया था, इसे एक साधारण रेड मिशन के तहत पूरा किया गया था। जो अपडेट आ रहा है, इस मिसाइल का पूरा नाम था द एयर सोल मुनेन फ्रेड ASMP मीडियम रेंज एयर टू सप्रेस मिसाइल। इसे यदि हम बात करेंगे, फ्रांस की MBDA कंपनी ने बनाया है। यह एक असल में हवा से लॉन्च होने वाली क्रूज मिसाइल है। फ्रांस ने इसे मई 1986 में इस मिसाइल का पहला संस्करण इस्तेमाल शुरू कर दिया था। जो अपडेट सामने आ रहा है, ये मैं बता दूं, फ्रांस ने यहां पर मिराज फाइटर जेट पर AAN-22 बम से इसको हटाकर इसे शामिल कर रहा है। अब यह मिसाइल मिराज राफेल सुपर इंटीग्रेटेड एयरक्राफ्ट में तैनात किया जाएगा। मिसाइल का रेंज 500 किलोमीटर है। जो इमेज आप देख रहे हैं, यह अपने टारगेट की तरफ 3580 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बढ़ती हुई है। यह मिसाइल से 300 किलोमीटर ताकत वाले TNA थर्मोक्लियर हथियार पर गया है। जो अपडेट आ रहा है, ASMPAR मिसाइल के रेंज को लगातार बढ़ाया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है। एक मिसाइल का वजन 860 किलोग्राम होता है और 17.7 फीट लंबी इस मिसाइल का व्यास 15 इंच है। इसमें एक लिक्विड फ्यूल रेजिमेंट इंजन लगाया गया है। जो अपडेट आ रहा है, मैं आपको बता दूं, जरूरत पड़ने पर इसका गति 4770 से लेकर 9541 किलोमीटर पर घंटा की तक बढ़ाई जा सकती है। इसके अब तक की 3 वर्जन बनाया गया है। यदि मैं बात करूं, 3 का इस्तेमाल फ्रांस की वायुसेना और फोर्स कर रहे हैं। जो अपडेट आ रहा है, फ्रांस की सेना और उस हिसाब से रिकमेंड पावर्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने की तैयारी में लगे हुआ है। माना जाता है कि इस मिसाइल के विकसित करने के लिए न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया जाएगी, जिसका रेंज 1000 किलोमीटर हो सकता है। फ्रेंड्स,